तय हुआ। यदि आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुड़ियों में से अंतर ढूंढ पाया तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगी, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो क्या? तो मैं विजयी हुई, और मैं जो भी कृष्णदेव राय से मांगूंगी वो मुझे लाकर देना पड़ेगा बिना कोई प्रश्न पूछे। स्वीकार है बिना कोई प्रश्न पूछे। अवसर अति उत्तम है गुरु जी, कम से कम छोटी मोटी गुड्डी गुड़ियों का रहस्य सुलझा लीजिए। महाराज को प्रसन्न करने के लिए अच्छा मौका है। इसी कारण आपकी जय जयकार हो जाएगी, बहुत दिन से हुई नहीं है। नहीं तो पंडित रामकृष्णा इस कार्य को पूर्ण करके मान सम्मान प्राप्त करेगा। और आप इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बस हम चुटकियों में सुलझा लेंगे। ये अंतर भेदने वाला खेल तो हमने बचपन में बहुत खेला है। इसमें छिपा रस खोजना इतना सरल नहीं है परदादू। परदादू? परदादू? मनी, इस छोटी बच्ची ने अपने गुरुजी की आयु तो सही पकड़ी है, आज तक हम पकड़ नहीं पाए बुड्ढे की आयु। देखो बिल्ली, क्षमा क्षमा झिल्ली, कदाचित आप भूल रही हैं कि हम विजयनगर राज्य के राजगुरु राजपुरोहित तथा चारित, हमसे कोई रहस्य छुपता नहीं। नहीं दीजिए, हम इन गुड़ियों का अंतर बताते हैं। परदादू, अब आप बूढ़े हो गए हैं और आपको ये रहस्य सुलझाने में कई महीनों लग सकते हैं, और शायद कई वर्ष भी, इसीलिए ये किसी और को करने दीजिए। हम है ना, हम स्वयं ढूंढ लेंगे, किसी और को क्यों दें? लाई। नहीं। अब क्या हुआ? पहले दीजिए सच्ची मुच्ची। सच्ची मुच्ची? क्या सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची का वचन दीजिए कि आप मेरे गुड़िया को कुछ नहीं होने देंगे, और अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत समझ आ जाएगा। अच्छा, ये लो सच्ची मुच्ची का वचन। अबला ये क्या हुआ, क्या किया आपने? कुछ नहीं, मैंने अपने गुड़िया को नीचे गिर के टूटने से बचा लिया, बस यही हुआ। अवश्य हमारे नेत्रों को कोई भ्रम हुआ है। हमारे तो प्राण ही अटक गए थे। हाँ, मैंने बचा लिया आपके प्राण को परदादू। वैसे आपकी बातों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आप एक बालिका है। तो आपको ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ? जी भली भांति ज्ञात हो गया है हमें कि आप कौन हैं। आप अम्माओं की अम्मा हैं। पदम्मा है आप, सबसे बड़ी अम्मा। वो तो मैं हूँ ही। बिल्ली, अब क्षमा कीजिए। झिल्ली, हमें एक रात्रि का समय दीजिए, हम कल सुबह तक ये पहेली अवश्य सुलझा लेंगे। उचित है गुरुवर, एक रात्रि का समय। आज रात्रि ये तीनों मूर्तियां आपके पास रहेंगे, परंतु आपके पास कल प्रातःकाल तक का ही समय है। यदि कल प्रातःकाल तक आपने नहीं बताया कि इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है, तो हम इसे राजगुरु के पद का अपमान समझेंगे। भगवान, कितना भयावह दृश्य है ये। भयावह कहाँ है, इसके नेत्र तो बड़े सुंदर हैं। तुम दोनों को कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुजी,
एक आँख थोड़ी कम कपटी है, किंतु दूसरी दूसरी आँख में तो कपट ही कपट भरा हुआ है, क्यों धनी? हाँ मनी। ना ना, इसकी आँखों में तो कहीं कपट नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों एक समान दिख रही है। हम गुड़ियों की नहीं आपकी आंखों की बात कर रहे हैं गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है आपकी आंखें निकल के गिर जाएंगी। गुरुजी, आपका वास्तविक रूप दृष्टिगत हो रहा है, ध्यान से देखिए। वाह, बड़े मधुर विचार हैं आपके हमारे विषय में। आइए, इतना दुस्साहस कि तुम हमें कब दिखाओ, भस्म कर देंगे। मूर्ख, अब ये मूर्खों की तरह क्यों खड़े हो नालायको? ये खड़े खड़े इन गुड़ियों के नेत्रों को मत निहारो, सहायता करो हमारी। जी गुरुजी। ये ध्वनि कहां से आ रही? गुरुजी, आपका भयावह रूप देखकर कोई चुड़ैल आकर्षित हो गई है कदाचित। बस दिखाएंगे आप? ये देखिए, ये बालिका बाहर से जा रही थी, हम इसे अंदर ले आए आपके दर्शन हेतु। हमने सोचा कि इसे भी आपका आशीर्वाद मिल जाए तो इसका भी भला हो जाए। इस बुड्ढे का आशीर्वाद लेकिन इस बच्ची का भाग्य दुर्भाग्य में न परिवर्तित हो जाए मनी। वाह वरुण माला, वाह, आपने तो हमारी संपूर्ण विपदा ही समाप्त कर दी। अब इसी बालिका से इन गुड़ियों के अंतर को ज्ञात कर लेंगे। हे भगवान, हे भगवान, ये बुड्ढा बच्ची से भी चाल चलेगा, सीधा नरक में जाएगा। जाएगा, सुन ले भगवान। आओ बच्ची, आओ हमारे से मिल पाओ, यहाँ बैठो। कितनी प्यारी बच्ची है, है? देखिए, आप जो कहेंगी हम आपको देंगे, बस इतना बता दीजिए इन गुड़ियों में क्या अंतर है। चुप, पाखंडी कह के। चिल्ली, स्वामी को तो इसका उत्तर पहले से ही ज्ञात है, वो तो बस आपको परखने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना स्वामी? हाँ हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, ये तो अति उत्तम है, तो कर लीजिए अपनी देवीय शक्ति से ज्ञात। गुरुजी, गुरु माता को अंदर भेजिए, अन्यथा वो इस बच्ची से कुछ भी ज्ञात करने का अवसर नहीं देगी आपको। उसके पश्चात महाराज की क्रोधित दृष्टि से ना आपकी दिव्य दृष्टि भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी, कुछ कीजिए। वरुणाला, आप क्या कर रही हैं? जाइए, बालिका के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। बिल्ली, झिल्ली, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे, हाँ, मुझे मीठे मीठे आम का रस चाहिए, मीठे मीठे, और खट्टे खट्टे बेर, खट्टे, और उसके साथ कच्ची केले की घोटली, कच्ची, और कुछ नहीं? ठीक है, जाओ वरुणाला, बालिका ने जो जो कहा है सब लेकर आओ। हाँ, चलिए हम आपको सब कुछ खिलाते हैं। इन्हें यहीं रहने दीजिए, आप जाइए प्रिय। ना कहिए, तुम जाओ और लेकर आओ। ये नहीं, वो। वो क्या? जो पहले कहा था स्वामी। अच्छा, प्रिये, प्राणेश्वरी, तुम जाओ और लेकर आओ प्रिये। जी, जाइए। नहीं, मैं भी आऊंगी साथ। चलिए। अरे झिल्ली, झिल्ली, अब क्या करें? गुरुजी, यूं शीश पर हाथ रख के शोक मनाने से कुछ नहीं होगा, जाइए बच्ची को पकड़िए। और पकड़कर बच्ची से ना गुड़ियों का रास्ते पूछिए, कुछ कीजिए गुरुजी। हाँ, कुछ तो करना ही होगा।
क्या चाहिए? लामा देखना लामा, ये तब मुझे तंग कर ले। मैं कल लातली को भी नहीं तोड़ा था और अभी भी नहीं तो पाला। इन लोग ने मेरी दंतिया भी ले ली। कोई बात नहीं गुड डब्बे, तुझे निद्रा आ रही है ना, चल तू मेरे कक्ष में चल के सो। आ जा। अरे नहीं अम्मा, जाने दो जाने दो, उठ गई तो जीवन दुभर कर देगी। आंधी का शांत रहना ही उचित है। हाँ जाने दो, उठा लो। अभी कहा ना शारदा, उठाना नहीं है। अरे इन्हें नहीं, सौगंध उठा लो कि कोतवाल को शीघ्र अति शीघ्र काल कोठरी से बाहर निकाले, अन्यथा हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे। देखो गुंडप्पा, तुम्हारी घंटिया मेरे पास है। लामा मेरी दंतिया। अम्मा कुछ करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आमरस बहुत मीठा था, पीते ही आनंद आ गया। आओ आओ बिल्ली। गुरुजी, झिल्ली झिल्ली। हाँ झिल्ली, आपकी क्षुधा शांत हो गई ना, तो अब बताओ ना क्या भेद है इन गुड़ियों में। झिल्ली देखो, कोई तो संकेत दो कि इन गुड़ियों में क्या अंतर है। पर दादू पहले झूला झूला। अच्छा। तत्तू झूला झूलाएंगे, झिल्ली झूला झूलेगी। तत्तू झूला झूलाएंगे, झिल्ली झूला झूलेगी। अब तो अंतर बताओ। इन गुड़ियों में वही अंतर है जो मनुष्य में होते हैं। मनुष्य में होता है अर्थात निद्रा। निद्रा, निद्रा का अंतर इन गुड़ियों में? नहीं पर दादू, गुड़ियों की नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमें निद्रा आ रही है। क्यों आ रही है? अच्छा देखो झिल्ली, सोने से पूर्व हमें बता दो ना क्या अंतर है इन गुड़ियों में। हम तुम्हें मिष्ठान देंगे। झिल्ली, गुरुजी अब चापलूसी का कोई फायदा नहीं। आपकी झिल्ली सो गई। गुरुजी सो गई? हाँ। वही अंतर है जो मनुष्यों में होता है, वही अंतर है जो मनुष्यों में अंतर। मिल गया, हमें मिल गया, हमें उत्तर मिल गया। रामा दंड मिला कोतवाल को,
पर भुगत तो तू रहा है। हाँ बंधु, पता नहीं सतनी और उसकी टोली को कब तक झेलना पड़ेगा। रामा, इतनी धूप में क्यों चल रहा है, मुझ पर तो कृपा कर, इतना क्या विचार कर रहा है। जब तक तू कोतवाल को काल कोठरी से बाहर नहीं निकालता, तब तक तुझे और मुझे इसी तरह धूप में भटकना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो हमारे लिए अब कोई स्थान नहीं है। हाँ बंधु, अब तो केवल माँ ही हमारी सहायता कर सकती है। परंतु अम्मा तो स्वयं ही परेशान है। मैं काली माँ की बात कर रहा हूँ बंधु। हे माँ, मेरी सहायता करो। मैं तो यही हूँ। तुमने मुझे पुकारा ना रामा, तो मैं आ गई। अरे मैं तो माँ को पुकार रहा था, तुम कहाँ से प्रकट हो गई? बात तो एक ही है ना। हाँ, ऐसे बच्चे भी ईश्वर का ही रूप होते हैं। तुम अत्यंत समस्या ग्रसित लग रहे हो रामा। हाँ तुम्हें हंसी आ रही है? अरे जो बला मुझ पर आन पड़ी है ना, तुम्हें झेलना पड़ेगा तो पता चलेगा। कष्ट ही सुख तक पहुंचने का द्वार होता है, यह विपदा भी टल जाएगी। इतनी छोटी बच्ची और इतना गहरा ज्ञान। बाहरी रूप पर मत जाओ रामा, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मन के भीतर क्या है, ना कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व कैसा है। समझ गया। कहाँ गई? धन्यवाद माँ, मुझे मेरी विपदा का हल मिल गया। क्या हालत बना रखी है पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा, ये सब आप राज दरबार में क्या लेकर आए हैं? अब क्या बताऊं मंत्री, पर मेरी कथा ही यही है। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। बड़ा महाराज कृष्ण देव राय की जय। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है आज रात दरबार को आपने सब्जी मंडी में परिवर्तित कर दिया। सब्जी मंडी? क्षमा करें महाराज, घर पर बहुत सारे अतिथि पधार गए हैं, तो ये सामग्री लेकर घर पहुंचने में विलंब ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं ले आया। एक तो बच्चों का इतना बड़ा समूह, उस पर वो मोटी। मोटी? कौन मोटी? मोटी नहीं महाराज, जो ज्योति 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 दीपक लाना भूल गया। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। बैठिए। गुरुवर जी। जी महाराज। झिल्ली की तीनों गुड़ियों में अंतर ज्ञात कर पाए आप? जी महाराज। अच्छा तो बताइए क्या है इनमें अंतर? महाराज इनमें वही अंतर है जो आप में, हम में और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के मध्य। गुरुवर हम कुछ समझे नहीं, बात को स्पष्ट कीजिए। अवश्य महाराज अवश्य। इन तीनों गुड़ियों को इनका कार्य ही एक दूसरे से पृथक करता है महाराज। हम आपको बताते हैं महाराज। धनी मनी इधर आओ। जी गुरु जी। ये लो। ये लो। महाराज ये धनी के हाथ में जो गुड़िया है, इसे ध्यान पूर्वक देखिए। ऐसा प्रतीत होता है पूरे दिवस इसने कठिन परिश्रम किया है, कितनी कलांत दिख रही है। और हाँ, इसके माथे पर देखिए, इसके माथे से तो स्वेद भी टपक रहा है महाराज। ये अवश्य कोई श्रमिक। मनी, प्रतीत होता है कि विजयनगर से प्रस्थान करने का समय अब आ चुका है। हाँ धनी, अब हमें अपना डेरा कहीं और जमाना होगा। मनी के हाथ में जो गुड़िया है उसे ध्यान पूर्वक देखिए।
इसके मुख पर कितना आराम, कितना गर्व है भरा। ऐसा प्रतीत होता है इसे किसी वस्तु की अल्पता नहीं, यह अवश्य कोई अत्यंत समृद्ध व्यापारी है महाराज। और हाँ महाराज, अब देखिए ये हमारे हाथ में जो गुड़िया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए महाराज, इसके मुख पर कितना तेज, कितना दिव्य आनंद है, ठीक वैसा ही जैसा हमारे मुख पर दिखता है। यह अवश्य कोई ज्ञानी पंडिताई है महाराज। गुरुवर, क्या आप आश्वस्त हैं कि जो आप कह रहे हैं सत्य है? जी महाराज, पूर्ण विश्वास। अर्थात इन तीनों गुड़ियों में यही अंतर है? जी महाराज। पर दादू, ऐसे कैसे हो सकता है? ये गुड़िया चेतन नहीं, जड़ है, और इनके मुख पर कोई भी भाव कैसे देख सकता है आपको? और कैसा स्वेद? व्यापारी, कौन पंडित और कौन श्रमिक? ये उचित नहीं है महाराज। हम उत्तर नहीं देंगे। हमें तो इस सांसारिक माया से परे रखे महाराज। हम स्वयं को इस प्रतिस्पर्धा से पृथक करते हैं। हाँ गुरुवर, पर दादू आपकी व्याख्या अनुचित है। अंतर बाह्य रूप में नहीं होता है। कृष्णदेव राय, मुझे तो लग रहा है अब आपको पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपके दरबार में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अंतर को बता पाए। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे दरबार में? कोई भी नहीं। महाराज, पंडित रामकृष्ण आइए। महाराज, गुड़ियों में अंतर मैं बता सकता हूं। अद्भुत। अरे तो पंडित रामकृष्ण स्मरण रहे, ये हमारे दरबार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको उत्तर देना होगा और सही उत्तर देना होगा, अन्यथा हम आपका ये सारा राशन ले लेंगे और आपको एक पूरे माह तक भूखा रहना पड़ेगा। जो कार्य हम ना कर सके वो पंडित रामकृष्ण कैसे कर सकता है? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण कर सकता है, अवश्य कर सकता है, आप नहीं कर सकते। उचित है महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है, किंतु यदि मैं विजयी रहा तो आप भी मुझे वो देंगे जो मैं चाहूंगा। अरे पहले गुत्थी तो सुलझाइए पंडित रामकृष्णा। हमें स्वीकार है पंडित रामकृष्ण। रामा, तू तो विक्षिप्त हो गया है क्या? चुपचाप बैठता तो कम से कम कुछ तो खिला पिला देता हूँ ना बच्चों को। अब उत्तर नहीं दिया तो तुझे ही भूखा रहना पड़ेगा। चुप कर,